जी लेक्चर 35 स्टार्ट करते हैं कैंप वन एफ आर वन का। गवर्नमेंट ग्रांट पे थोड़ी सी बात शुरू की थी कल, तफसील से बात उस पर करेंगे, लेकिन पहले ज़रा ये जो थ्योरी बच गई है 15-20 मिनट लगा के इसको फटाफट फटका देते हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट पे तफसीली बात आज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। पार्टली ओन्ड प्रॉपर्टी, पार्टली ओन्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ओन्ड का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ओनरशिप जो है वो पार्टली है उसमें। पार्टली ओन्ड का मतलब है पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है। पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस प्रॉपर्टी मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो ऑप्शंस आएंगे। अगर आप कोई बिल्डिंग, कोई प्रॉपर्टी जो है वो बिजनेस यूज में भी रख रहे हैं और उसको आपने रेंट पे भी दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे या आपका एक प्लाजा है या आपने प्लाजा बनाया है, इसकी आपने 10 मंजिलें बनाई हैं, 2, 2, 4, 2, 6, हाँ ये वह होगी 10, ठीक है भाई, ये 10 है, ठीक है ना। अब ये ना कहना कैसे 10, तो हैं 10, ठीक है, वो डिज़ाइन आ गया ऐसा बनाया हुआ हमने, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने इसमें पहले 2 फ्लोर 4 फ्लोर खुद रख लिए और बाकी 6 फ्लोर आपने रेंट पर दे दिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं पार्टली ओन्ड प्रॉपर्टी, यानी कि जिसको आप बिजनेस यूज में भी रख रहे हैं और आप उसको रेंट पे भी आपने दिया हुआ है। अब IS-40 इसकी अकाउंटिंग के बारे में क्या गाइडेंस देता है, पढ़ा था वैसे मैंने, कहा था पढ़ के आना एक बार। IS-40 ये कहता है कि पार्टली ओन्ड प्रॉपर्टी अगर कैपेबल है ऑफ बीइंग सोल्ड और रेंटेड आउट सेपरेटली, अगर ऐसी ये प्रॉपर्टी है कि आपने जो है अलग यूज़ किया, अलग रेंट पे दिया, ये कैपेबल ऐसे है कि ज़रूरी नहीं है कि सारा प्लाजा किराए पे दिया जाए, ये अलग भी किराए पे दिया जा सकता था, ये अलग भी, अलग अलग हो सकते थे, आपने अलग को यूज़ कर लिया, अलग को किराए पे दे दिया, तो अकाउंट फॉर कर लो इन दोनों हिस्सों को सेपरेटली। जब ये सेपरेट हो सकते हैं बिकने में भी, और देखिए प्लाजा के अंदर सारा प्लाजा बेचना ज़रूरी नहीं होता, दुकानें भी बिकी हुई होती हैं, दफ्तर भी बिके हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी नेचर ऐसी है कि आप उसको सेल करना हो या रेंट आउट करना हो सेपरेटली कर सकें, तो मतलब उसकी नेचर ऐसी है ना कि वो सेपरेट हो सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि इसकी अगर पूरे की कॉस्ट हमारे पास 100 है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 40% 40 रुपये यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, एक एक दुकान की भी अलग कॉस्ट आ सकती है ना, लेकिन मैं सिंपल रख रहा हूँ बात को, ठीक है ना, कि जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट आप अलग रख सकते हैं, ठीक है, और जो आपने रेंट पे दी उनकी कॉस्ट अलग कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जब वो बिक अलग सकती हैं, किराए पे अलग जा सकती हैं, तो उनको अकाउंटिंग भी अलग कर सकते हो ना, तो क्या करो, जो आपके यूज में है 40%, आप उस 40% कॉस्ट ले जाओ PPE में, वहां पे जाके आपकी मर्जी है, आप उस 40% के हिस्से को फेयर वैल्यू मॉडल पे रखते हो, फेयर वैल्यूशन मॉडल पे रखते हो या कॉस्ट मॉडल पे, जो बाकी 60% है उस कॉस्ट को, यानी कि इसके 60 रुपए को ले आते हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, और उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लाके उससे पूछ लेते हो कॉस्ट मॉडल पे रखना है या फेयर वैल्यू मॉडल पे। तो अगर आपकी पार्टली ओन्ड प्रॉपर्टी कैपेबल है ऑफ बीइंग सोल्ड और रेंटेड आउट सेपरेटली, ठीक है, तो क्या करो, अकाउंट फॉर ईच सेपरेट पार्ट अंडर रेलेवेंट स्टैंडर्ड, अंडर रेलेवेंट स्टैंडर्ड, यानी कि आप उसको IS-40 वाले हिस्से को IS-40 में ले जाओ, IS-16 वाले हिस्से को IS-16 में ले जाओ, ठीक है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, अगर कोई पार्टली ओन्ड बिल्डिंग हो तो आप उसको अलग कर सकते होते हैं नॉर्मली, और अलग कर सकते हैं तो अकाउंटिंग भी अलग कर लेते हैं आप, जिस बेसिस के ऊपर आप उसको अलग रखा होता है, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट भी अलग निकाल सकते हैं आप, फिर उनकी फेयर वैल्यूज भी अलग। प्लाजा की मिसाल बड़ी सादा सी और आम फहम सी मिसाल है, लेकिन इस सारी बात को समझा रही है। एक दुकान की भी अलग कॉस्ट आप निकाल सकते हो, उस एक दुकान की भी आप अलग फेयर वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अगर इनकी नेचर ऐसी, जो कि नॉर्मली होता है, ये नॉर्मली यही होता है, ठीक है, कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास, आप कुछ बिजनेस में भी यूज कर रहे हैं, अपने हेड ऑफिस भी आपने ही बनाया हुआ है और बाकी किराए पे भी चढ़ाया हुआ है आपने इसको, ठीक है, तो नॉर्मली रेंट आउट या सेल सेपरेटली हो सकती है। तो क्या करो, अकाउंट फॉर हर पार्ट को सेपरेटली अंडर रेलेवेंट स्टैंडर्ड, ठीक है, IS-16 या IS-36, ठीक है, ओके, या IS-36 कह गया, IS-16 36 पढ़ा के आ रहा हूँ, IS-16 या IS-40, ठीक है,
ठीक है, या आपने इसको किराए पे नहीं चढ़ाया, आपने इसको बेच दिया है, तो फिर जिस हिस्से को बेचने के लिए फॉर सेल लगाया हुआ है उसको आईएस 2 में, बाकी को आईएस 16 में, ठीक है, ये बात समझ गए। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ये प्रॉपर्टी जो है ये कैपेबल ही नहीं है, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड और रेंटेड आउट सेपरेटली, तो फिर ये देखो कि ज्यादा पार्ट किस तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर ना स्टैंडर्ड वगैरह खामोश है, कोई परसेंटेज तो उसने नहीं दी, स्टैंडर्ड ने ये कहा अगर ऐसी सिचुएशन है तो इफ सिग्निफिकेंट पोर्शन इज यूज्ड फॉर बिजनेस, अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन, अब परसेंटेज कोई नहीं है, तो बस ज्यादा पोर्शन जो है वो अगर आप यूज कर रहे हो, अलग अलग नहीं कर सकते, और ज्यादा पोर्शन, सिग्निफिकेंट पोर्शन आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो अप्लाई आईएस 16 टू होल प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन इज रेंटेड आउट या फॉर सेल, अगर ऐसा है, ठीक है, फॉर सेल को हटाना तो फिलहाल वैसे ही रेंटेड आउट फॉर सेल उसी में आ जाएगा, अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन आपने किराए पे चढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो फिर क्या कर दो, अप्लाई कर दो आईएएस 42 होल प्रॉपर्टी। क्या मतलब, मतलब ये अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपने बस वैसे ही ये कोई दो तीन दुकानें किराए पे दी हुई है नीचे इधर बेसमेंट में, ठीक है, बाकी सारा कुछ ही आप जो है वो यूज कर रहे हैं खुद। स्टैंडर्ड कहता है अगर थोड़ा सा किराए पे दिया भी हुआ है तो बस कोई बात नहीं है, सारा पीपीई में फेंक दो, अब मजबूरी है। हाँ, रेंटल इनकम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते रहो, लेकिन इस अलग हिस्से को चुका अलग कर नहीं सकते, और ज्यादा पोर्शन इसका आप बिजनेस में यूज कर रहे हो तो सारे को ही आइए 16 में ले जाओ, पीपीई के तौर पर रिकॉर्ड कर लो बस, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, वो वही प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट होती रहेगी। हाँ, उसकी रेंटल इनकम ये ऐसे ही है जैसे एक दुकान है और उस दुकान के कोने पे कॉर्नर स्पेस आपने किराए पे दे दी, एक बंदे को कहा थड़ा लगा लो इधर, उससे थोड़ा सा किराया ले लेते हो आप, तो सारी दुकान आपकी पीपीई है और वो कॉर्नर स्पेस जो है, अब चूंकि वो अलग बिक नहीं सकती, अलग किराए पे आप कह रहे हो दे दी, नहीं दी जा सकती, मैं मिसाल तो ये दे रहा हूं, नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड, आइए 16 ही कह दो उसको, बस रेंटल इनकम रिकॉर्ड किया जाना, क्या हो सकता है। और अगर ऐसे है कि ज्यादा पोर्शन आपने किराए पे दिया हुआ है, एक दफ्तर आपने एडमिन पर्पज के लिए अपने पास रख लिया, आपने छोटा सा दफ्तर वहां अपना बनाया हुआ है, इस काम के लिए नहीं वैसे अपना दफ्तर बना लिया है, तो क्या करोगे, सारे को आईएस 40 कह देना, ये छोटा सा पोर्शन आईएस 16 वाला भी उसी के अंदर ही रहने दो, फिर कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो बहरहाल ये एक थ्योरेटिकल सा कॉन्सेप्ट है, और इस सिग्निफिकेंट पोर्शन को भी स्टैंडर्ड ने क्वांटिफाई नहीं किया, ठीक है, लेकिन ये एक बात लिखी हुई है स्टैंडर्ड में, तो मैंने आपको बता दी। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस यही होते हैं, और अगर अकाउंटिंग करवाएगा तो वो इन्हीं की करवाएगा, वैसे इसकी भी हाँ करवा सकता है वैसे ये बात, ठीक है, वो अलग बता देगा, सेपरेट हो सकते हैं तो आपने, अगर सेपरेट हो सके तो उनको सेपरेटली अकाउंट फॉर करना है अंडर रेलेवेंट स्टैंडर्ड, और अगर सेपरेट ना कर सको तो वो क्लियरली ऐसे लिखेगा, वो क्या कहेगा कि बस ये इनसिग्निफिकेंट, हमने एक प्रॉपर्टी ली है, वो प्रॉपर्टी हमने फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन ली है, लेकिन उसका इनसिग्निफिकेंट पोर्शन हम बिजनेस में यूज भी कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, थोड़ा इग्नोर करो आईएस 40 है, ठीक है। या सवाल में यूं कहेगा, कह देगा कि प्लाजा है, प्रॉपर्टी है, हम उसको बिजनेस में यूज कर रहे हैं, इनसिग्निफिकेंट पोर्शन हमने रेंट पे भी दिया हुआ है, आप कहोगे इनसिग्निफिकेंट को छोड़ो, ये अल्फाज बोलेगा, ठीक है ना, इनसिग्निफिकेंट को छोड़ो, ये पीपीई ही है आईएस 16, ठीक है, ये बात यहां पे लिखी हुई थी, जल्दी से इसको नोट कर लें। देखें जी यहां पे क्या लिखा हुआ, पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स, पढ़ें जी, ओके, लर्निंग आउटकम टू जो है इसको पढ़ते हैं, एन एंटिटी मे यूज पार्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और फॉर एडमिन पर्पस, यानी ओनर ऑक्यूपाइड, आईएस 16 लिख सकते हैं आप आगे, लर्निंग आउटकम टू, बेटा नजर आ रहा है सबको, पहली लाइन में क्या लिखा है, एन एंटिटी मे यूज, अब थोड़ी बात करें इस लंबी बात, थोड़ा सा ऐसा क्या है, एन एंटिटी मे यूज अ प्रॉपर्टी इन इट्स फॉर इट्स बिजनेस यूज, यानी आईएस 16, एंड होल्ड अनदर पार्ट टू अर्न रेंटल्स और कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी आईएस 40 यही होगी ना, पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो बिजनेस यूज में है और कुछ हिस्सा जो है वो रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, तभी गेम पड़ी ना,
अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, रूल्स फॉर पार्टली ऑक्युपाइड बिल्डिंग्स क्या हैं, द टू पार्ट्स आर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली इफ दे कुड बी सोल्ड सेपरेटली और रेंटेड आउट सेपरेटली. आगे फाइनेंस लीज चीज को छोड़ो, ठीक है, बस किराए पे दिया जा सकता है. ओके, इफ अबव इज नॉट द केस, अगर अबव यानी कि सेपरेटली सोल्ड या रेंट आउट नहीं किया जा सकता पोर्शंस को, तो क्या कह रहा है वो स्टैंडर्ड, क्या कहता है, द प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनली इफ एन इनसिग्निफिकेंट पोर्शन इज हेल्ड फॉर बिजनेस यूज. अगली बात अंडरलाइन करके बेशक या काट के बेशक ये लिख दो, इफ द अबव इज नॉट द केस द प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनली इफ एन इनसिग्निफिकेंट पोर्शन इज हेल्ड फॉर बिजनेस यूज, यानी IS 16. तो जरा अंग्रेजी मुश्किल लिखी हुई थी और एक तरफ लिखी हुई थी स्टैंडर्ड ने, मैंने दोनों बातें ही लिख दी, दूसरी बात मैंने अपनी तरफ से लिख दी, ठीक है ना. ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर अलग अलग सेल या रेंट आउट हो सके तो दोनों को अलग अलग अकाउंट फॉर करो, और अगर ये ना हो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ तब है जब इनसिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो खुद यूज कर रहे हैं. तो इसका मतलब है अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन खुद यूज कर रहे हैं तो फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी ना. तो दूसरी बात स्टैंडर्ड ने इस तरह से नहीं लिखी हुई थी, तो हमने दोनों बातें वहां पे लिख दी, ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद अगला सफा पेज 291. ये पेज 291 के अंदर ये बड़ी कहानी शानी करने के बाद जी एंड पे मैंने आपको कहा था कि आप ना ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फिर क्या कर लो, ऐसे ब्रैकेट ही लगा लो और एक बात लिख लो, उसको आप जाके ना अपने पहले लेक्चर में भी ऐड कर सकते हैं. वो जहां पे मैंने पहला लेक्चर आपको, आप अगर अपना पहला लेक्चर ओपन करें ना, उसमें बात इस तरह से की थी, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल तो IS 2, हेल्ड फॉर यूज तो IS 16, और अगर फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन रेंटल या बोथ है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रहा है तो पहले बात की थी इनिशियल रिकग्निशन की, दूसरी बात की थी इनिशियल मेजरमेंट की, और तीसरी बात की थी हमने सबसीक्वेंट, ठीक है, सबसीक्वेंट मेजरमेंट के अंदर फिर हमने यूं लिखा था कॉस्ट मॉडल भी हो सकता है, फेयर वैल्यू मॉडल भी हो सकता है, याद है, याद क्या, तो सामने भी होगा. उसके बाद इसके नीचे हमने कुछ तफसीलात लिखी थी दोनों की, वो लिखी गई उसके लिखने के बाद एंड पे वो वाली ब्रैकेट यूं लगा लो और नीचे वो वाले दो रूल लिख लो के, हाँ पहला जनरल रूल क्या था कल जो लिखवाया था, हाँ, चोजन मॉडल शैल बी अप्लाई टू, ये जनरल रूल था, और दूसरा इफ फेयर वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल ब्ला ब्ला ब्ला. कहने का मकसद यह है कि पूरी बात पहले दिन ही कर देता ना तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन वहां पे इसको ऐड कर लें इस तरह से. तो ये पूरी लाइन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की शुरू से लेके एंड तक जो इस सफे पे लिखी हुई है वो फिर यहां पर आ जाएगी हमारे पास. तो पहले लेक्चर के अंदर यहां तक बात कर दी थी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल सेम एज IS 16, कॉस्ट लेस इंप्रेशन लेस इंप्रेमेंट लॉस इफ एनी, ये लिखा था बुक वैल्यू, और यहां पर डू नॉट डेप्रिशिएट 0.1, 0.2, टेक प्रॉपर्टी टू इट्स फेयर वैल्यू एट ईयर एंड, फेयर वैल्यू गेन लॉस विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये लिखा था ना, यहां पे कहानी खत्म हो गई थी. इसी तरह से उसके नीचे यूं लाइन लगाएं, कॉस्ट मॉडल फेयर वैल्यू नीचे लिखें, चोजन मॉडल शैल बी अप्लाई टू ऑल प्रॉपर्टीज, और अगर किसी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू ना हो तो उसको कॉस्ट पे रख सकते हैं, ये एक्सेप्शन थी, ठीक है ना. इस तरह से आपका ये सारा सफा ये इधर आ जाएगा, ठीक है. उस दिन अलग नहीं ना, कल अलग लिखवा दिया था ना बेटा, मैं अब ये कह रहा हूं इसको वहीं उसी सफे पे ऐड कर दो, ताकि आप जब रिवीजन करने बैठो तो आप लेक्चर वन का पहला सफा खोलो तो आपके सामने सारे उसकी समरी हो विदाउट ट्रांसफर्स, विदाउट ट्रांसफर सारी समरी इधर आ गई और ट्रांसफर की समरी अलग एक सफे के ऊपर बनी हुई होगी. तो स्टैंडर्ड तो बस इतना सही है. चले आगे, एग्जाम्पल वन कर ली थी, इस जैसी एग्जाम्पल मैंने क्लास में करवाई थी वैसे, ठीक है ना. तो मैंने कहा था ये घर पे करना, और घर पे आपने जब की होगी तो आपने बुक का सोल्यूशन ही फॉलो किया होगा, अपनी तरतीब फॉलो की होगी और आंसर सेम आया होगा. कितने बच्चों ने एग्जाम्पल वन की थी घर पे, मैंने कहा था कर लीजिएगा, असेसमेंट की तैयारी कर रहे थे, है ना, दे दूं ना असेसमेंट में यही फिर मजा आए, नहीं है वैसे ये, इसीलिए होमवर्क भी नहीं दिया था आपको मैंने कहा था, और मैंने रिलैक्स भी किया था थोड़ा सा दूसरा होमवर्क. कितने घंटे लगे सारे, कितने जो मैंने सवाल लिखे थे यहाँ पे सारे सवाल किए कितने बच्चों ने, दो IS 16 के, IS 36 पूरा और IS 23 के चार सवाल, कितने बच्चों ने सारे किए. अच्छा ये चार घंटे में हो गया था, तीन घंटे में, दो घंटे में हो गया था. अपनी तरफ से मैंने बड़ा काम किया था काम को, देखे यार आपस में मत बोला करो, यार आपस में मत बोला करो भाई, जब मैं बात कर रहा हूं जो आपस में बोलेगा आप में से बाहर निकालूंगा, इनको बता दो. हाँ अच्छा जी भाई, मैंने तो कोशिश की थी, देखें आप लोग पता है क्या करते हैं, आप घर पे 1.8 मल्टीप्लाई नहीं करते मार्क्स के साथ, या बड़ी ज्यादती करते हैं, किया हुआ सवाल भी आपने लंबे लंबे टाइम में किया, क्यों, आपको मार्क्स इंटू 1.8 की प्रैक्टिस अपनानी पड़ेगी. अब आज असेसमेंट के अंदर ये काम करना है आपने, दो घंटे की असेसमेंट है तकरीबन, तो मार्क्स इंटू 1.8 करना है,
और जितने टाइम के अंदर, मैंने कल लिखा तो था, एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं ऐसे जैसे नई बात कर दी, कल लिखा तो था यहाँ पे 60-61 मार्क्स की असेसमेंट बनी है और 2 घंटे का काम है, ठीक है ना, हो गया ज्यादा, अगली बार अगली असेसमेंट रिलैक्स कर दूंगा, अगली असेसमेंट 25-30 नंबर की बना दूंगा, ठीक है ना, अब माफी दे दो, ये जरूरी था मेरे लिए क्योंकि पिछला टेस्ट भी मिस हुआ हुआ था और बड़ा अरसा गुजर गया था टेस्ट को, ठीक है। तो मैंने कहा चुप रहा करो, 2 घंटे निकालने हैं, टाइम से बता रहा हूं, ठीक है, और सीरियसली टेस्ट देना है और मार्क्स इनटू 1.8 करना है और कोशिश ये करनी है कि हर बच्चा इस असेसमेंट में पास हो, फेल होने वाली शक्लें जो है ना वो बिगाड़ बिगाड़ दूंगा मैं शक्लें। अच्छा चले वापस आए, पेज 292, या तुम खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ, मैंने एक बार कहा 10 बार कहना पड़ेगा, खड़े हो जाओ, पीछे चले जाओ, जाके खड़े हो जाओ, बाकी क्लास खड़े रहोगे, चले जाओ बेटा, चले जाओ, चलो अगर तकलीफ हो तो बाहर ही चले जाना, फिर वहीं से दरवाजे से रजिस्टर लेते जाओ, एक बार होती है बात बेटा, 10 बार थोड़ी होती है। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल कर ली थी, नहीं की थी तो बेटा अभी लिख लो प्लीज, आज कर लेना, आज तो असेसमेंट की तैयारी ना करनी अभी घर जाके, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम तो इसको भी देना ही होगा, एक घंटे, आधे पौने घंटे से ज्यादा का काम नहीं होगा इसका, आज आधे घंटे के अंदर अंदर ज्यादा काम नहीं दूंगा आज, क्योंकि आपने बाकी असेसमेंट की तैयारी भी करनी है। रीजंस फॉर ट्रीटिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिफरेंटली, ये पैरा पढ़ा था किसी बच्चे ने, मैं नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, पढ़ के आइएगा, इसको भी लिख लें साथ, कोई नहीं ऐसे बस बात है लिख लें, इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पढ़ लेनी है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा फिर जब आप पढ़ेंगे तो। ओके नेक्स्ट, ट्रांसफर्स पढ़ा दिया था, गेन लॉस कल करवा दिया था, डिस्क्लोजर्स पे आ जाएंगे। स्नेक लिमिटेड वाला सॉल्यूशन मैंने सामने रखा हुआ है, नजर आ रहा है सबको, गुजारा हो रहा है, मैं ये चाह रहा था कि सारे का सारा सामने ही रहे तो बेहतर है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इसको साइज को छोटा कर दिया है, गुजारा हो ही रहा होगा, अगर तकलीफ हो रही है देखने में तो अपना सलूशन ओपन कर लें, ये मैंने नहीं सलूशन बनाया है, ये आपकी क्लास की खींची हुई तस्वीर से टीए ने बस यहाँ पे लिख दिया, तो कोई गलती हो तो वो भी बता देना, सही कर लेंगे, ठीक है ना, तो ये मैंने नहीं सलूशन बनाया, ये आपकी क्लास का सलूशन है जो आप लोगों ने मिलकर मेरे साथ बनाया था, ठीक है ना, इसलिए वो रजिस्टर ओपन कर लें या इसको ओपन कर लें, बात एक ही है, मैं डिस्क्लोजर पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा, टेस्ट में चूंकि आपको पता है नोट का सवाल भी होगा पीपीई का, तो याद करवाना जब टेस्ट की डिस्कशन करेंगे, तो आइए 16 के डिस्क्लोजर्स रहते हैं, मतलब डिस्क्लोजर बनाने सीख लिए हैं, अंग्रेजी में जो स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर लिखे हैं ना वहां से पढ़ाने रहते हैं, तो वो डिस्क्लोजर मैंने पढ़ाने हैं, जब मैं आपको असेसमेंट वाले नोट को क्लास में बनवा दूंगा ना, तो वो सवाल जब पूरा होगा उसके बाद फिर हम डिस्क्लोजर भी साथ ही डिस्कस कर लेंगे, ताकि वो पेंडेंसी भी रिमूव हो जाए। आखिरी सफा आप रखा करें अपने रजिस्टर का, उसके ऊपर लिखा करें पेंडिंग कॉन्सेप्ट्स, और ये एक चेक बनाते रहा करें, ठीक है ना, जैसे अभी तक पीपीई के आखिरी लेक्चर का एक एग्जाम्पल रहता है बिल्डोजर वाला, ठीक है, वो रहती है एग्जाम्पल, सम ऑफ ईयर डिजिट की एग्जाम्पल रहती है, इस तरह से हर टॉपिक के अंदर कोई छोटी मोटी जो चीज़ रह जाए, तो बच्चों एक ना आखिरी सफ़ा बनाओ, फ्रेश सफ़ा हो, उसमें और कुछ ना लिखा हो, हेडिंग बनी हो पेंडिंग कॉन्सेप्ट्स, और हर टॉपिक के लिखते रहा करें, ताकि एंड तक जाते जाते कोई चीज़ रह ना जाए, जो पेंडेंसीज होंगी अगर साथ साथ रिमूव होती जाएंगी तो हम टिक करते जाएंगे, ठीक है ना, तो पेंडिंग कॉन्सेप्ट्स आखिरी सफ़े पे लिखें सब बच्चे, और फिलहाल जो मुझे याद है वो अब लिख लें, और आइंदा के लिए ये पक्का रख लें कि आपने खुद भी ये चेक रखना है मुझ पर, ठीक है। तो आई एस 16 में पेंडिंग क्या रहता है, ये डिस्क्लोजर्स, सम ऑफ ईयर्स डिजिट, डेप्शन का मेथड, और तीसरा रोड बुलडोजर एग्जाम्पल, आउट मैथड करवा दिया था तो वो भी लिख लो यार, 5 मिनट का काम है, 2 में क्या क्या जी रहता है, आउटपुट मैथड ऑफ डेप्शन, सम ऑफ ईयर मैथड ऑफ डेप्रिसिएशन, रोड बुलडोजर एग्जाम्पल, बस ऐसे थोड़ी सी निशानी हो कोई भी, ठीक है, और डिस्क्लोजर्स। आईएस 36 के अंदर एक सवाल दिया था, उसका सलूशन डिस्कस होना रहता है, मुझे याद आया, कल करेंगे डिस्कस उसको, अगर आज टाइम ना मिला तो, वो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन दिया था ना होमवर्क में, नाम नहीं याद आ रहा उसका मुझे, लिखें आईएस 36 के आगे लिखें ना आप, एक तो आप लिखें आईएस 36 में क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन डिस्कशन, पता नहीं क्वेश्चन का नाम क्या था, छत्तीस बाद में तो नहीं, भाई भाई मैं खुद दिखा रही हूँ, हुसैन एसोसिएट, याद है कुछ होमवर्क में दिया था, हाँ इसको लिख लो, इसकी डिस्कशन पेंडिंग है, ठीक है। आगे 36 में क्या पेंडिंग है जी, हुसैन एसोसिएट की डिस्कशन की, जरा पेंडेंसीज तो आज लिख लेना, जरा तसल्ली, आप थोड़ा सा ना एक जरा थोड़ा सा एक दो दिन ना नॉर्मलाइजेशन करेंगे ना, असेसमेंट है, असेसमेंट की डिस्कशन होगी, पेंडेंसीज रिमूव करेंगे, अच्छा लिख लो लिख लो, लिख लिया, साथ एक और चीज़ लिख लो, वो मेरे एंड पे पेंडिंग है,
लिखो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, ब्रैकेट में लिखो इन सिलेबस और नॉट, ताकि मुझसे पूछ सको। मैं कर नहीं सका अभी तक, ठीक है, तो लिख लो ना ताकि अभी कर लें, आज कल में इंशाल्लाह करता हूँ ये, ठीक हो गया। उसके बाद IS-23 में पेंडिंग है डिस्क्लोजर्स। IS-23 के डिस्क्लोजर्स ना इतने लेंथी हैं कि दो लाइनों में आ जाते हैं, तो वो भी लिख लें। पेंडिंग तो पेंडिंग ही होता है ना भाई, वैसे IS-23 में हमने कुछ छोड़ा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन डिस्क्लोजर्स लिख लो उसके पेंडिंग है, ठीक है। और हम अब इस वक्त हैं IS-40 में मौजूद, और IS-40 में आपकी तरफ से कुछ पेंडिंग है पढ़ना, वो पढ़ लेंगे तो पढ़ा दूंगा, और आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह मैं होमवर्क में देता हूँ। विक्टोरिया आपने कर लिया था, कोई मसला नहीं हुआ था, सोल्यूशन का फॉर्मेट डिफरेंट था उनका, हमारा फॉर्मेट डिफरेंट था, लेकिन हम ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, आंसर तो सेम है, ठीक है। तो ये अब आपका सफ़ा बड़ा कीमती सफ़ा है, इसमें से जब कोई चीज़ हो जाया करेगी तो उसे टेक जरूर कर लेना है, ये ना हो गया आखिरी जाकर ये सारी पेंडिंग है, हालांकि बीच में हो भी गए। लिख लीजिए IS-36 के MCQs भी डिस्कस होना रहते हैं जी, लिख लीजिए, लिखें जी, लिखें। ऐसे तो IS-16 के भी रहते हैं, फिर दिए नहीं होंगे। IS-16 के MCQs असेसमेंट में डिस्कस करेंगे ना आप, जब ट्राई करेंगे आप पता लग जाएगा अच्छा ये MCQ होते हैं IS-16 के, कोई मसला नहीं, ठीक है, ओके। असल में ना डिस्क्लोजर भी पढ़ाए नहीं है, तो MCQs में ना कुछ डिस्क्लोजर्स भी MCQ में पूछता है, इसलिए मैंने उसके MCQs को डिस्कस किया ही नहीं, वरना तो रीवैल्यूएशन वाले MCQs तो आप उल्टे हाथ से लिखें, सीधे हाथ से लिखना पसंद ना करें, ठीक है। अच्छा चले जी, अब आ जाए वापस। अच्छा जी, डिस्क्लोजर्स हम करने लगे हैं। डिस्क्लोजर्स का मतलब पता है क्या होता है? मैं बताता हूं, इधर देखो, डिस्क्लोजर का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, शो करना, यूजर को दिखा देना, ठीक है जी। अब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको पता ही है, आप इंट्रो पढ़ के आने वाले बच्चे हैं ना, इन्फो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होता है, ठीक है, उसमें क्या कुछ होता है जी? इनकम स्टेटमेंट होती है, बोलो, इनकम स्टेटमेंट जिसको, बल्कि हम स्टेटमेंट ऑफ, आप तो बड़े हो गए ना बच्चे, स्टेटमेंट एब्रीविएशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, चलो कोई बात नहीं, कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ेंगे इंशाल्लाह यहां पर, ठीक है, और नोट्स, ठीक है जी, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। ये पता नहीं किस फॉर्मेट में मेरे दोस्त ने ना किया हुआ है इसको टाइप, बहरहाल तकरीबन ये बातें हैं, ठीक है जी, सही है। ये क्या है? पांच कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कंप्लीट सेट जो है वो इन पांच कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है जी। ये कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि इसको बंद कर ले मोबाइल को, डिस्क्लोजर का मतलब ये, डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो है वो आप इन पांच में से किसी एक जगह शो कर दें, आइदर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो या नोट्स के अंदर आप शो कर दें इनको, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, चेंज इन इक्विटी या नोट्स में कहीं पे लिख के अंग्रेजी में बता दें या फिगर्स में प्रेजेंट कर दें। डिस्क्लोज करने का मतलब यह है कि यूजर को दिखा दें, ठीक है। तो जो भी डिस्क्लोजर्स हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं डिस्क्लोजर पहली बार पढ़ा रहा हूं, IS-16 के पढ़ाए होते तो आसानी होती है, वहां पे जाकर आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। डिस्क्लोजर का मतलब यह कि यूजर को ये बता दो, अब वो ये जो बता रहे हैं ये किसी एक जगह बता दो इन पांच में से, ठीक है। तो हम अब देखते हैं क्या कुछ हमने डिस्क्लोज किया है और वो कहां कहां डिस्क्लोज कर दिया करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये हमारा क्वेश्चन है जी, स्नेक लिमिटेड, नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये पांचवें कंपोनेंट पे पहुंच गए, और मैंने पहले दिन आपको ना वो सारी तरतीब भी बनाई थी, शायद याद होगा आपको, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, अच्छा जी बैलेंस शीट में पीपी है तो पीपी का नोट नंबर फलां, फिर नोट्स के अंदर आके वो नोट्स चल रहे होते हैं और ये नोट आ गया, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? मेरा मशवरा है कोई एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिंदगी में कभी खोल के देख ही लो अब, ठीक है। उसमें आप देखोगे तो पहले ऑडिट रिपोर्ट वगैरह के बाद सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट एक सफ़े पे होगी, फिर बैलेंस शीट होगी, फिर चेंज इन इक्विटी होगी, फिर कैश फ्लो होगी, और पांचवें सफ़े से नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेडिंग लगेगी, और अगले 20 25 30 40 50 सफ़े नोट्स ही चलते रहेंगे, उनके अंदर सारी डिटेल्स पड़ी होती हैं, ठीक है। अंग्रेजी में भी होती हैं चीज़ें लिखी हुई, और उसके अंदर फिगर्स में भी होती हैं, ठीक है। तो ये जो नोट्स होते हैं ना, पीपीई का नोट हमने बनाया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बना रहे हैं, उन्हीं नोट्स के अंदर बने होते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट के फेस पे तो एक फिगर ने जाना है, और वो होगी ये टोटल वाली। जैसे इसके अंदर अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट के फेस के ऊपर क्या नजर आएगा इस सवाल का? 8600, ठीक है, सही है ना। ये 8600 बैलेंस शीट के फेस में नजर आएगा, लिखा होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब यूजर को अगर डिटेल चाहिए तो बैलेंस शीट वाले 86 की डिटेल कहां मिलेगी? उसके आगे लिखा होगा नोट नंबर 13 में जाके देख लो, वो नोट्स में आएगा, तो ये नोट की डिटेल पड़ी होगी, ठीक है। तो करें शुरू, अब डिस्क्लोजर की समझ आ गई, डिस्क्लोजर क्या होता है, ठीक है, ओके।
ऊपर स्नेक लिमिटेड बस लिखा हुआ है। अब ये डिस्क्लोजर्स हैं, इनको पढ़कर देखते हैं हमने ये सब कुछ किया या नहीं किया। स्नेक वाले सवाल में सारा कुछ नहीं किया होगा क्योंकि सवाल का डाटा भी इतना नहीं था ना, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें वहाँ पे हैं वहाँ से दिखा दूंगा, और जो वहाँ पे नहीं है उनको मैं आपको बता दूंगा कि इसका मतलब ये है। और जो सिलेबस में नहीं है वो इंशाल्लाह हम लिख लेंगे आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि स्टैंडर्ड ने तो सारे डिस्क्लोजर देने होते हैं, हमने क्या देखने क्या नहीं। फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड बाय IAS 40 इन द नोट्स टू द अकाउंट्स। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू बोथ फेयर वैल्यू मॉडल एंड, यानी कि अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल पे हो चाहे आप कॉस्ट मॉडल पे हो, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ मॉडल हैं, ये डिस्क्लोजर तो लाजमी है। आप जौन से मर्जी मॉडल पे हो, ठीक है, ये डिस्क्लोजर्स लाजमी है। कौन कौन से? वेदर द फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड, बता दो। ये देखो बताया हमने, ये क्या मेजरमेंट बेसिस क्या होता है, ये मेजरमेंट बेसिस क्या है देख लो। हमने क्या कहा जी, हमने इस्लामाबाद बिल्डिंग के लिए फेयर वैल्यू मॉडल यूज किया, बलोचिस्तान के लिए कॉस्ट मॉडल, फिर फेयर वैल्यू, फिर फेयर वैल्यू। तो हमने क्या किया, हमने ये बताया कि हमने कौन सा मॉडल यूज किया है। डिस्क्लोजर वन समझ आ रहा है? वेदर ये याद नहीं करने, ये कतन याद नहीं करने, ये हमें बनाना आ गया है और पढ़ के समझ लेते हैं, कोई अगर MCQs में आ जाए बात तो हमें पता लग जाएगी वैसे, ठीक है। एक बार फिर पढ़ लेना पर्चे में जाने से पहले, जब भी रिविजन करो इस टॉपिक की एक बार इसको नजर मार लिया करो, बस याद नहीं करना, ठीक है। बनाना जो सीख लिए वो याद है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना आता है ना, वो डिस्क्लोजर ही है, आपको याद ही है वो, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, वेदर फेयर वैल्यू और कॉस्ट मॉडल इज यूज, समझ आ गया। नेक्स्ट, मेथड्स एंड अजम्पशंस अप्लाइड इन अराइविंग एट फेयर वैल्यूज। तो भाई ये मेथड और अजम्पशंस फेयर वैल्यू तक पहुंचने के लिए सवाल देगा तो लिखेंगे ना, ठीक है। सवाल ने ऐसी कोई बात नहीं, नहीं वो और बात थी, उसने ये कहा था कि फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती, वो अलग बात है। सवाल यूं कह दे, फेयर वैल्यू ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल प्राइसेस, ये वो ऐसी अंग्रेजी मार दे, तो आपने सब नोट्स के अंदर उस अंग्रेजी को लिख देना। आप 13.32 तक था ना, ये 13.3 ऐड करोगे और जो लाइन लिखी होगी ये मेथड और ये अजम्पशंस थी वो एज इट इज उठा के लिख दोगे, सवाल में होगी नहीं वैसे नॉर्मली, अगर आ जाए तो आपने लिख देंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप प्रैक्टिकली जिंदगी में जाकर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बना रहे होंगे तो फेयर वैल्यू जिसने लगाई है उससे कहोगे भाई मेथड अजम्पशंस बताओ, वो आपको बताएगा, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के सब नोट के अंदर वो भी लिख देंगे, सब नोट में लिखेंगे, ठीक है ना। और सही है, जैसे आप लिखते थे अपना रिवैल्यूएशन मॉडल अगर यूज किया तो पहले ही सब नोट क्या बनता था, लास्ट ईयर वाज परफॉर्मड बाय मेथड्स फलां फलां एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, और अगर अंग्रेजी के अंदर उसके आगे कोई और बात लिख दी हो ऑन द बेसिस ऑफ फलां फलां चीज, तो वही एज इट इज लिख दो ऑन द बेसिस ऑफ फलां फलां चीज, डिस्क्लोजर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सटेंट टू विच फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वॉज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन। भाई ये वही बात है, ये तीनों बातें जो है ना, ये दोनों बातें, ठीक है, बाया क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, ठीक है, ये सवाल के अंदर लाइन होती तो हम लिखते थे, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर इस सवाल के अंदर लिखा होता इस तरह से कि मिसाल के तौर पे जो फेयर वैल्यू है वो लगाई है, अब मैंने जो कि 13.1 और 2 पहले लिख दी है इसलिए मैं इसको इधर कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या लिखा होता जी, वो कहता जी कि फेयर वैल्यू जो है वो मैसर्स, क्या नाम है तुम्हारा, मैसर्स अब्दुल्ला, अब्दुल अहद, मैसर्स अब्दुल अहद एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स ने लगाई है, ठीक है, या वैल्यूअर्स ने लगाई है, तो ये अंग्रेजी एड्रेस लिख देते हैं, क्या कहते हैं जी, फेयर वैल्यू इज डिटरमिंड, अब मैं आगे जबानी बोल रहा हूं, बाय जबानी मतलब ये ऐसे, बाय मैसर्स अब्दुल अहद एंड कंपनी अ प्रोफेशनल फर्म ऑफ वैल्यूअर्स एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फलां फलां बात। अब ये कहां से पता लगेगा, स्नेक वाले सवाल में नहीं लिखा, पर्चे में दे देगा अंग्रेजी में लिख के, तो एज इट उठा के यहां पर लिख दोगे, बात समझे हो यार, इसको साइज बढ़ाई लेते हैं ताकि समझ लगती रहे, पता तो आपको लग ही रहा है, ठीक है जी, ऐसे तो अंग्रेजी में लिख के बता दोगे, अब सवाल में देगा तो लिख दोगे, नहीं देगा तो नहीं लिखोगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, स्नेक वाले सवाल में अगर लिखा होता फेयर वैल्यू डिटरमिन्ड बाय फलां बंदा ऑन बेसिस ऑफ फलां फलां अजम्पशंस, ठीक है, तो हम लिख देते ये एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर है, उसने ये फेयर वैल्यू लगाई है और इस बेस पे लगाई है, और अगर वो बात नहीं लिखी हुई तो हमने नहीं लिखी, दैट्स इट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंस इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि अगर सवाल के अंदर वो इनकम रेंटल इनकम दे दो क्या करो, हमारे सवाल के अंदर रेंटल इनकम दी हुई थी उसने एंड पे जाकर, मैंने क्या किया था, मैंने कहा था इसको एलिटी लिख दो, रेंटल अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज रुपीज 2000, और अगर साथ ही वो को बता देता एक्सपेंसिस, ये बात मैंने की थी क्लास के अंदर भाई, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कहा था अगर वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या मतलब, वो रेंटल कमाने के लिए आपने खर्चे भी तो किए, जेनिटोरियल स्टाफ को पैसे दिए, सिक्योरिटी स्टाफ को पैसे दिए, आपने कुछ और ओवरहेड्स किए, तो ये खर्चे जो आपने किए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रेंटल कमाने के लिए, तो वो खर्चा भी यहां लिख दो और जो रेंटल इनकम आई है वो भी लिख दो। अब आपने खुद से थोड़ी लिखनी है, सवाल के अंदर रेंटल इनकम गिवन थी, मैंने सिर्फ वो लिख दी, सवाल में वो ये कह रहा था स्नेक वाले सवाल में कि रेंटल अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज 2000 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर 1500 मिसाल के तौर पर, तो हम लिख देते रेंटल अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी
इज 2000 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर रुपीज 1500। और ठीक है ना, ये बात की थी क्लास के अंदर जब नोट बना रहे थे, तो ये भाई ये दो डिस्क्लोजर्स भी देने होते हैं। उसके बाद कहता है डिटेल ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन। आपने इन्वेस्टर प्रॉपर्टी ली हुई है, ठीक है जी, आप गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, आगे बैठ जाओ, परे हो जाओ, अब सीट ना खाली करना, परे हो जाओ जी, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, अब तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, उधर चले जाओ, निकल निकालो इसको बाहर, अच्छा बैठ जाओ, आइंदा ना मौका नहीं, मुझे तंगी बड़ी हो रही थी, वरना मैं निकाल देना टाइम था, मैं इंसान बना करो यार, इधर तो आपस में बातें करते, तो पढ़ने आए हो, मेरी बात सुनने आप आपस ही बातें करने आओ, घर पे नहीं होती बातें पूरी तुम लोग, अच्छा सर दोस्त है, घर तो मिलता ही नहीं है ये भाई। मैं कह रहा हूँ कि आपने एक प्रॉपर्टी ली हुई है, हो सकता है आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप उसको यूज़ तो कर सकते हो, आगे बेच नहीं सकते। अब ये रिस्ट्रिक्शन आपको थोड़ी पता है कि पर्चे में बैठे हुए, तो सवाल के अंदर अगर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लिख देगा तो आपने वो रिस्ट्रिक्शन सब नोट में डाल देनी है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एनी डिटेल ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन एबिलिटी टू रियलाइज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी आप उसको बेच नहीं सकते। एबिलिटी टू रियलाइज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से बेच के पैसे लेना। तो कहता है जी अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है आपको उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बेचने की, ठीक है, या उसकी रेमिटेंस को जो है ऑन द रेमिटेंस ऑफ इनकम और डिस्पोजल प्रोसीड जो पैसे आए हैं उस पैसे को अगर बेच कर पैसे जो आए हैं उसको इस्तेमाल करने पे को पाबंदी है या बेचने पे को पाबंदी है, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन है आप तो बता दें क्या करोगे। ये मुश्किल है डिस्क्लोजर पहले है, आगे तो सब आसान है, आगे तो नोट बना हुआ हमारा, ठीक है, क्या करोगे भाई, पर्चे में लिखा होगा देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन एबिलिटी टू सेल द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बलोचिस्तान प्रॉपर्टी, ठीक है, आप वो लाइन एज इट इज आगे सब नोट में लिख दोगे, क्यों, क्योंकि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जी। रेमिटेंस जो पैसे आते हैं, द एबिलिटी टू रियलाइज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन रेमिटेंस ऑफ इनकम और डिस्पोजल प्रोसीड, जो पैसे आए हैं बाहर से आए हैं जहां से भी आए हैं, ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लीगेशन टू परचेज कंस्ट्रक्ट और डिवेलप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और एनहेंसमेंट्स। ईयर एंड है, ठीक है, स्नेक वाला सवाल है, ईयर एंड है 31 दिसंबर, क्या ईयर एंड था इसका, 31 दिसंबर 15, ठीक है, 31 दिसंबर 15 पर आप खड़े हैं, ठीक है, अब आपने इस दिन एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है किसी से, ठीक है, कि आपका जो है ये जो बुर्ज खलीफा है ये हम खरीद लेंगे अगले साल। अब बहुत बड़ा प्लाजा है ये प्लाजा बहुत बड़ा प्लाजा है ये, ठीक है, और आप एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं फ्यूचर में, लेकिन 31 दिसंबर 15 की शाम को तो आपने ये खरीदा नहीं है, तो आपकी किताबों में इससे नजर तो नहीं आना। अब आप ये चाहते हैं कि आपके यूजर को ये पता लग जाए कि हमने एक कमिटमेंट एग्रीमेंट हो गया है शेख से, ठीक है, शेख से जाके आपने एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक है, अब आप खरीदने लगे हैं, तो आप यूजर को लिख के बता दें कि पायन हम अगले साल में बुर्ज खलीफा खरीदने लगे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर लो, और जो करी बैठे हैं ऑलरेडी उन्हें कह रहे हैं सुकून करो इंशाल्लाह अभी आगे देखना कितने पैसे आते हैं, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट आपने कर रखी है अगले साल में, तो अपने साल के एंड पे यूजर को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है अकाउंटिंग के अंदर तो जब तक मॉनिटरी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होनी एंट्री तो होनी नहीं, आप एग्रीमेंट की कोई एंट्री तो कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन यूजर को बताना चाह रहे हो तो डिस्क्लोजर है रिक्वायर्ड, और डिस्क्लोजर दोगे क्या अंग्रेजी के अंदर नीचे लिख दोगे। अब वो कैसे लिखोगे भाई, आप खुद से नहीं, आप नीचे 13.1 क्या लिखोगे जी, ऐसे जी आप लिखो देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट ऑफ डैश, नहीं भाई, सवाल के अंदर गिवन होगी कुछ बात ऐसी तो लिख दोगे, ठीक है, तो ये बात क्या लिखी हुई है, देखो द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू परचेज, खरीद सकते हो या कंस्ट्रक्ट, बनाने का इरादा किया, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्टर से, तो बता दो यूजर को कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अगले साल में हम ये काम करने जा रहे हैं, ताकि यूजर को तसल्ली हो कि हाँ यार ये तो काम बढ़ने लगा, ठीक है ना। अब ये कहां से पता लगेगा, सवाल में गिवन होगा, क्या करोगे, सब नोट्स में एज इट इज उठा के वो लाइन लिख दोगे, डिस्क्लोज हो गया, डिस्क्लोजर बन गया, ठीक है, ओके। और डेवलप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और फॉर रिपेयर मेंटेनेंस, यानी कि कोई आपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की हुई है परचेज की, कंस्ट्रक्शन की, डेवलपमेंट की, या रिपेयर मेंटेनेंस एनहांसमेंट के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीजें कमिटमेंट की है आपने, तो क्या कर दो यूजर को बता दो। आप कैसे बताओगे, कमिटमेंट एग्रीमेंट को क्वांटिफाई तो कर नहीं सकते, तो फिर अंग्रेजी में लिख के बता दोगे सब नोट्स के अंदर, कब लिखोगे, जब सवाल पर्चे के अंदर बता दे ऐसी कोई बात, आप भी ऐसी लिखोगे, ठीक है। तो भाई ये जनरल डिस्क्लोजर्स है, ये कौन से डिस्क्लोजर्स है जी, हाँ, अब उसके बाद स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स शुरू होंगे, ठीक है, फेयर वैल्यू के भी और कॉस्ट के भी, वो आसान है क्योंकि वो हमने बना रखे हैं। जनरल डिस्क्लोजर्स क्या है, फेयर वैल्यू मॉडल है या कॉस्ट मॉडल है बता दो, फिर कोई मेथड अजम्पशन यूज हुई, ठीक है, या कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूअर था, ये वाली बातें बता दो, फिर रेंटल इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कोई है तो बता दो, फिर
डिटेल ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन, अगर गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे बेचने पे या उसके पैसे आएंगे तो उसके साथ क्या करना है, कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन है तो वो बता दो, डिस्क्लोजर बता दो, बता दो, बता दो, ठीक है। और लास्ट इज, अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है अगले साल में आपने कर ली है तो ईयर एंड के ऊपर उसको भी यूजर को लिख के बता दो। तो ये बता दो क्या क्या बता दो, कॉस्ट मॉडल यूज हो या फेयर वैल्यू मॉडल, ये कर रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद कोई मेथड अजम्पशन है, कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूअर है, वो नाम शाम आ जाए, चीजें आ जाए, एज इट इज वो भी बता दो। फिर रेंटल इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने इनकर किए वो भी बता दो। गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है तो वो भी बता दो। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है तो वो भी बता दो। इसमें से मेरे ख्याल में फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल तो यूज हुआ, जो हमने यहां पर शो किया है, ये देखें ये वाला, ये तो लाजमी आएगा हर सवाल में। उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे हाँ सवाल में गिवन होंगे तो हम लिख दिया करें, ले रहे ये बात। उसके बाद वो कहता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल टू फेयर वैल्यू मॉडल ऑनली। क्या करो भाई, फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर जो एसेट है उसके बारे में क्या कुछ डिस्क्लोज करो। हम पहले अपना नोट तो ओपन करें ना, बाकी सारे फेयर वैल्यू मॉडल पे ही है ना, ठीक है। ये फेयर वैल्यू मॉडल, इस्लामाबाद वाली बिल्डिंग पकड़ लो, चाहे कराची वाली, चाहे लाहौर वाली, सबके सब फेयर वैल्यू पे है। ऐसे ही है, आपको नजर नहीं आ रहा ये, अब ठीक है। फेयर वैल्यू मॉडल, कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू, डन। अब क्या कहता है जी, फेयर वैल्यू मॉडल वाली जो बिल्डिंग है, यानी हम इस्लामाबाद की बात कर लें अगर, ठीक है, इसके बारे में क्या कुछ बताओ, इस पर आप नजर रखिए अब, ठीक है जी। देयर मस्ट बी अ रेकंसिलिएशन इन अ नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शोइंग एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। ये देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग, क्या कह रहा है जी, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के दरमियान रेकंसिलिएशन हो। रेकंसिलिएशन किसे कहते हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग तक जो आया, सिफर से 1500 पे जो आया तो कैसे आया, हमने कहा जी सिफर से 1500 पे कैसे गया, 1000 का एडिशन बना, 500 का फेयर वैल्यू गेन आया, इसमें ऐड हुआ और ये क्लोजिंग में 1500 पे पड़ा हुआ, ठीक है। अब ये वाली बात बतानी है, वो कह रहा है देयर मस्ट बी अ रेकंसिलिएशन किसकी, बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग शोइंग एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, नेट गेन और लॉस फ्रॉम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, बल्कि इसको यूं कह लें फेयर वैल्यू, शॉर्ट करके याद रखना फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ठीक है। और बस, बस क्यों कह रहा हूं, बाकी दोनों आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल, ये तो देख लें जो हमने किया। ओपनिंग क्लोजिंग के दरमियान आप भाई, ओपनिंग क्लोजिंग के दरमियान रेकंसिलिएशन शो करो, ठीक है। और रेकंसिलिएशन किस चीज की हो, क्या शो करे, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, बल्कि हमने तो खैर से ट्रांसफर भी ऐड किया हुआ है, हमने तो ट्रांसफर भी पढ़ लिया है, ठीक है ना। देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान क्या कुछ बता दो, उसने तो सिर्फ कहा एडिशन और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बताओ, हमारे कोर्स की बात करें, हमने तो ट्रांसफर, ट्रांसफर टू या फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, याद है हमने तो ट्रांसफर टू और फ्रॉम भी बता दिया, हमने डिस्पोजल भी बता दिया, ठीक है। अब अगली बात चलो पढ़ लेते हैं। वो कहता है जी ओपनिंग क्लोजिंग के दरमियान रेकंसिलिएशन बनाओ, शो कर रही हो वो एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, फिर एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इन अकॉर्डेंस विद IFRS, IFRS 5 हमारे सिलेबस में नहीं है, हेल्ड फॉर सेल थोड़ी सी बात शायद की भी थी किसी वक्त, अगर आप एक एसेट को एक्टिव यूज से उतार के हेल्ड फॉर सेल रख लें तो IFRS 5 उससे डील करता है कि उसका क्या करना होता है, ठीक है ना। तो वो बहरहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है, सही है। ऐसे ही एक्विजिशन थ्रू बिजनेस कंबिनेशन, मैं इसको हाईलाइट भी नहीं कर रहा डर से, ठीक है ना। आप ब्रैकेट, आप समझने के लिए लिखना हो तो लिख लो कोई बात, लेकिन साथ ही लिख देना आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है ना। बिजनेस कंबिनेशन कहते हैं, आपने अगर कोई बिजनेस ही खरीद लिया तो आप कंसोलिडेट करेंगे, क्या करेंगे जी, बिजनेस कंबिनेशन कहते हैं, कंसोलिडेशन भी FR2 के अंदर पढ़नी है हमें, ठीक है। अगर आपने कोई बिजनेस एक्वायर कर लिया, यानी उसकी मेजर शेयर होल्डिंग एक्वायर कर लिया, तो फिर कंसोलिडेशन के अंदर जाके आपको उनके एसेट्स हमने शो करने होते हैं। जब कंसोलिडेट करते हैं ना, कोई बिजनेस ही पूरे का पूरा एक्वायर कर लें, तो एक होता है मिसाल के तौर पर जैज ने वारिद को एक्वायर कर लिया, किया था, ठीक है। अब जैज और वारिद अब एक ही है, अब जैज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग भी बनेंगी, वारिद की अलग भी बनेंगी, उनके अलग अलग अकाउंटेंट्स बनाएंगे इसको, फिर जैज वाला बड़ा अकाउंटेंट जो है वो वारिद वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवा के एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगा, जिसमें जैज वाले एसेट्स और वारिद वाले एसेट्स इकट्ठे करके दिखाए जाएंगे। ये उसकी बात कर रहा है, लेकिन हमारे सिलेबस में अगेन ये है नहीं, ठीक है ना। तो बता इसलिए दिया कि परेशान ना होना, ये क्या बात है सर, बता क्यों नहीं रहे। तो हमारे लिए सिर्फ इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्लोजर फेयर वैल्यू मॉडल के डिस्क्लोजर में क्या कह रहा है जी, क्या बताओ, रेकंसिलिएशन बनाओ ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान शोइंग एडिशन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, हमने ऐड किया ट्रांसफर और डिस्पोजल, इधर देखो ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान रेकंसिलिएशन बताई, ठीक है। और उसके किस किस चीज की रेकंसिलिएशन है जी, ट्रांसफर, एडिशन, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और डिस्पोजल, ठीक है जी, सही है, ओके। मैंने कहा अलग अलग हो जाए, नेक्स्ट। उसके बाद कहता है
दिस रेकंसिलिएशन शुड शो सेपरेटली एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्लूडेड एट कॉस्ट बिकॉज देयर फेयर वैल्यूज कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली. अलग रखा तो हुआ है. क्या कह रहे हैं, अगर किसी रेकंसिलिएशन को के अंदर यह ना करना कि यह कहीं और छुप जाए, नहीं, जो अलग कॉस्ट पे रखा हुआ है वो सेपरेटली बताओ भाई. सेपरेटली तो बताया हुआ है, बलूचिस्तान बिल्डिंग अलग पड़ी है, बता दिया कॉस्ट मॉडल पे. तो दिस रेकंसिलिएशन शुड शो सेपरेटली एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड एट कॉस्ट बिकॉज देयर फेयर वैल्यूज कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली. ये जी बलूचिस्तान बिल्डिंग कॉस्ट पे पड़ी और नीचे हमने लिख के बताया भी था इट्स फेयर वैल्यू वॉज नेवर बीन डिटर्मिनेबल. और को अंग्रेजी में लिखता किस वजह से, वो वजह भी लिख देते भाई. ठीक है, अच्छा ये भी आगे लिखा हुआ है, आगे लिखिए. ये रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं लिखा हमने, आगे लिखा हुआ है. ये तो फिलहाल सिर्फ उसने कहा ना इसको सेपरेट रखो, तो सेपरेट रख दिया. बलूचिस्तान बिल्डिंग को हमने सेपरेट रख दिया. क्यों सेपरेट रख दिया? हाँ ये कॉस्ट मॉडल पे है तो ये और कलर हो रेड कलर. ठीक है, ओके सही है. हाँ पिंक कलर करता हूं तुम्हें मैं. उसके बाद फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड एट कॉस्ट बिकॉज देयर फेयर वैल्यूज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. ये बलूचिस्तान प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड एट कॉस्ट. क्यों? बिकॉज देयर फेयर वैल्यूज कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली. फॉलोइंग शुड बी डिस्क्लोज. क्या बताओ? डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी बलूचिस्तान प्रॉपर्टी है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन एज टू वाई फेयर वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल. वो जी इथोपिया से मंगवाया था बकरा, अभी मार्केट नहीं है. मैं मिसाल दी थी कि अब यहां बात और कोई लिखी नहीं हुई, लिखी होती तो वजह बता देते. मैंने कहा अगर वजह लिखी होती तो बताते, अब ये रिक्वायरमेंट है. ऐसे नहीं हमने वो लाइन डाल दी थी नीचे. ठीक है, वो क्या कह रहा है? डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी. मैंने कहा बलूचिस्तान प्रॉपर्टी. एक्सप्लेनेशन एज टू वाई फेयर वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल. अब सवाल नहीं लिखी तो हमने नहीं लिखी. सवाल लिख देता बिकॉज दिस इज सिचुएटेड इन अ फार अवे प्लेस वेयर देयर इज नो एक्टिव मार्केट, दैट्स व्हाई फेयर वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल. तो वही बात है, हम भी लिख देते, वजह भी लिख देते. सवाल में नहीं वजह तो पर्चा छोड़ के बलूचिस्तान में चले जाना, देख के आता हूं इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू क्यों नहीं डिटर्मिन हो सकती. नहीं भाई नहीं, आपको बता देगा तो लिख देना, नहीं बताएगा तो मत लिखना. क्लियर? लास्ट थिंग इज इफ पॉसिबल रेंज विद इन विच प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू इज लाइकली टू लाई. क्या मतलब? हमने क्या लिखा? हमने यूं लिखा, इधर देखो, हमने कहा जी फेयर वैल्यू ऑफ बलूचिस्तान बिल्डिंग वॉज नेवर बीन डिटर्मिनेबल बिकॉज, ऐसे मैं अंग्रेजियां मार रहा हूं, बिकॉज अब ये अच्छा बिकॉज ऐसे देयर वॉज नो एक्टिव मार्केट देयर वॉज नो एक्टिव मार्केट देयर. ठीक है, सही हो गया. अगली बात, इट्स फेयर वैल्यू, ये मैं ऐसे अंदाजे मारू, मे रेंज या यूं लिख लो, इट्स फेयर वैल्यू इज अराउंड 4000 ऐसे, या मे रेंज फ्रॉम, हम लिख सकते हैं जी 4000 to 5000. अंदाजा लगा दो, अगर पॉसिबल है तो कोई तुक्का लगा के लिख दो जी. फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत दूर दराज इलाके में सिचुएटेड. हाँ हमारा अंदाजा है कि अगर ये फेयर वैल्यू डिटरमिन हो सकती तो ये होनी 4-5000 होनी चाहिए थी. अब ये 4-5000 होनी चाहिए थी इज नॉट कंफर्म फिगर ना, तो इसलिए उसको हम फेयर वैल्यू पे लेकर तो नहीं जा सकते, लेकिन हमने इसको डिस्क्लोज कर दिया, ये बात लिख रहा था. ठीक है जी, नहीं वो हम अंदाजा लगाएंगे वैसे ही. ठीक है ना, वैसे ही दिया हुआ था ना डायरेक्टर वाला अंदाजा. ठीक है, अच्छा इधर देखो प्लीज प्लीज, बस बातें ना किया करो, देखो ऐसे ना किया करो. अच्छा जी, ये सब बात होगी. अब फेयर वैल्यू ऑफ बलूचिस्तान बिल्डिंग वॉज नेवर बीन टर्मिनेबल बिकॉज देयर वॉज नो एक्टिव मार्केट. इज फेयर वैल्यू, जरा और अच्छा लिख लेना, फेयर वैल्यू रेंजेस, इट्स फेयर वैल्यू मे रेंज फ्रॉम 4000 to 5000. अब ये सिर्फ एक अंदाजा है भाई, ऐसे ही. अब ये कब लगाओगे? क्वेश्चन में दिया हो तो लगा देना, वरना ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे हो उस प्रॉपर्टी को हमने एक तो अलग रखना है, भाई हमने अलग रख दिया, और एडिशनल डिस्क्लोजर क्या देने हैं? उसकी डिस्क्रिप्शन बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी है, वजह बताओ क्यों नहीं डिटरमिन हो सक रही, और अगर पॉसिबल हो तो रेंज भी बता दो फेयर वैल्यू की. ठीक है, डन जी. ये हो गए जनाब फेयर वैल्यू मॉडल वाले डिस्क्लोजर. तो सादा सी बात है भाई, डिस्क्लोजर हमने बनाया ही था, उसने क्या कहा, पहले तो हो गया ना जनरल, जनरल भूल तो नहीं गए, जनरल कॉस्ट मॉडल है या फेयर वैल्यू मॉडल है बता दो, कोई रिस्ट्रिक्शन है तो बता दो, किसने ये वैल्यू किया, इंडिपेंडेंट है, किस मेथड पे किया, किस बेस पे किया, अगर लिखा हुआ है तो बता दो, और रेंटल इनकम बता दो, एक्सपेंसेस बता दो, कोई कमिटमेंट किया तो बता दो. ये जनरल डिस्क्लोजर थे, जनरल का मतलब जो सा मर्जी मॉडल है ये तो चीजें बतानी थी. फिर अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हो, ठीक है, तो फिर
एक रेकंसिलेशन बनाओ जो ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में रेकंसिलेशन दे, किस किस चीज की, एडिशन की, डिस्पोजल की, ट्रांसफर की, फेयर वैल्यू की। हमने चार बोल दी, यहाँ पे दो थे, ठीक है, और जो दो मैंने नहीं बोले वो हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ा, इसलिए देखिए एमसीक्यूज में दे दो, पता तो ऐसी को बात थी, हर बार पढ़ते हुए नजर में आ गए तो किसी एमसीक्यू में आ जाए तो बचत हो जाए, ठीक है ना। अच्छा फिर वो कहता है, अच्छा जी अब आप अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हैं, रेकंसिलेशन तो बना दी, लेकिन वो मजबूरन किसी को कॉस्ट मॉडल पे भी तो रखा था एक्सेप्शन, और जिसको कॉस्ट मॉडल पे रखा था, एक तो उसको सेपरेट रखना, ठीक है, ये यहां पे लिखा था, ठीक है ना, रेकंसिलेशन शो सेपरेटली, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया जी, सेपरेटली एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड एट कॉस्ट, ठीक है जी, कॉस्ट पे जिसको रखा है उसको सेपरेट रखो, और एडिशनल डिस्क्लोजर क्या दे दो, डिस्क्रिप्शन बताओ, एक्सप्लेनेशन क्यों 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 नहीं फेयर वैल्यू डिटरमिन हो सकती, और इफ पॉसिबल रेंज विद इन विच द प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू इज लाइकली टू लाइ, ठीक हो गया। और अगर कॉस्ट मॉडल पे हो तो क्या करो, अब जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन मेथड भी बताना पड़ेगा, बोलो, और यूजफुल लाइफ भी बतानी पड़ेगी या रेट, ठीक है, और अगली बात छोड़ो, पहले ये तो देख लो, अब अगर कॉस्ट मॉडल पे थे बलोचिस्तान प्रॉपर्टी, तभी तो मजबूरन हमें बताना पड़ा स्ट्रेट लाइन मेथड है, लाइफ 10 ईयर्स है, ठीक है, मॉडल कॉस्ट है, इन बाकियों को देखो, बाकियों के बारे में कुछ ऐसी बात नहीं की हुई, ऐसे ही है ना, ठीक है, चलो। उसके बाद क्या कहता है, एक तो ये बता दो अगर कॉस्ट मॉडल पे तो डेप्रिसिएशन मेथड, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल पे डेप्रिसिएशन थी ही नहीं, तो अगर कॉस्ट मॉडल पे तो डेप्रिसिएशन मेथड बताओ, रेट जा, लाइफ बताओ, और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ, देखो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ही तो है, बोलो है ना, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ और अक्यूमुलेटेड, इसका कोर कलर करते हैं, नई चीज आ गई, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, अब बता दिया जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बता दिया और अक्यूमुलेटेशन बता दिया, हेडिंग बन गई दोनों की, क्या रहे सामने, आगे वो कहता है लेकिन ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ एट द बिगनिंग एंड एंड, ठीक है, एट द बिगनिंग, ये बिगनिंग आ गया, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल पे है, बिगनिंग पे बताया 500, एंड पे 500, अक्यूमुलेटेड एप्शन बिगनिंग पे 1200, एंड पे 1600, भाई ठीक है, ये बता दिया हमने, सही है, समझ आई बात, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ और अक्यूमुलेटेड एप्शन बताओ, बता दिया जी, ग्रीन, कब कब, बिगनिंग पे बताओ, एंड पे बताओ, भाई बिगनिंग पे भी बता दिया, एंड पे भी बता दिया, 500, 5000, ये हमारी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आ गई बिगनिंग और एंड पे, अक्यूमुलेशन 1200 और 1600 बिगनिंग और एंड पे, ये भी आ गई। अब आगे कहता है, और फिर रेकंसिलिएशन भी बनाओ बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, शोइंग एडिशंस, डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट, ट्रांसफर, ठीक है, दो चीजें मैंने छोड़ दी, कंपनीज एक्ट काट दो, पता नहीं कहां से आ गया, ये गलती से भाई, ये गलती से यहां पे, ये मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, इसको काट दो, ये कंपनीज एक्ट काट दो, ठीक है, ओके, अच्छा हाँ जी, रेकंसिलेशन बनाओ किसकी भाई, ओपनिंग क्लोजिंग की, क्या करें, एडिशंस लिखो, डेप्रिसिएशन लिखो, ट्रांसफर लिखो, इंपेयरमेंट लिखो, वो इंपेयरमेंट पढ़ा था ना, अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो मैंने कहा था ये आगे 16 जैसा ही हो जाता है, तो मैंने कॉस्ट मॉडल से लिखा था उस दिन, मैंने ये लिखा था कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड एप्शन लेस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी, तो अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो उसी तरह से नोट के अंदर एड हो जाएगा, तो रेकंसिलेशन शो कर दो, तो हमने रेकंसिलेशन शो की तो हुई है, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए ट्रांसफर भी है, एडिशन भी है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी है, फिर नीचे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी है, डिस्पोजल भी है इवन, ठीक है, तो ये रेकंसिलेशन हमने बनाई हुई है, तो जो काम हम कर रहे थे बेसिकली वो उसने कहे हुए, तो अगर गौर तलब बात क्या है, अगर गौर किया जाए तो मेन बॉडी जो है इसकी है ना नोट की, वो रेकंसिलेशन जो हमने, जो हम नोट बनाते हैं वो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट थी हमने पूरी की हुई है, एडिशनल चीजें क्या थी, वो एडिशनल डिस्क्लोजर इसे जो पहले पढ़ा दिए, या फेयर वैल्यू मॉडल के नीचे से लिखा होता कि अगर कॉस्ट मॉडल किसी एक का यूज कर रहे थे, एडिशनल बातें बताओ, वो भी हमने बात कर ली, ठीक है, ओके, और वेयर द कॉस्ट मॉडल इज यूज द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, देखो एक तो यह है कि आपके पास ऑप्शन है ना, ऑप्शन तो है ना, फ्रेंड ने क्या कहा था, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में चाहो तो फेयर वैल्यू मॉडल, चाहो तो, मुझे पता है अब नींद आ रही है, आखिरी बात है बस, इसके बाद अब जाते हैं गवर्नमेंट ग्रांट पे, ठीक है, बस बस थोड़ा हौसला कर लो, ये जरूरी था भाई, जिसको मसला होता है ना वो प्लीज क्लास छोड़ दिया करे, मुझे मशवरा ना दिया करे, ओके, ठीक है ना, अगर कोई बोलेगा ना आइंदा ये बात के सर अभी नहीं, बस ये कर रहे वो कर रहे, वो क्लास से निकल जाए, मैं खुद निकाल दिया करूंगा उसको, ठीक है, पढ़ना है तो बैठे, नहीं पढ़ना तो जाए, मैंने कभी रोका किसी, जाने वाले को कभी कोई रोक सकता है, अच्छा जी सुने 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 भाई, देखो आई स्टैंडर्ड ने क्या कहा कि IAS 40 ने क्या कहा, आप सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के दिन ऑप्शन है, आप चाहो तो कॉस्ट मॉडल पे रह लो, चाहो तो फेयर वैल्यू मॉडल पे रह लो, हमने कहा जी फेयर वैल्यू मॉडल, ने कहा ठीक है सारी चीजों, फिर उसने कहा लेकिन क्या कहा था, हाँ लेकिन क्या कहा था, चोजन मॉडल शुड बी अप्लाई टू,
हमने फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर लिया, एक ही कॉस्ट, एक ही फेयर वैल्यू निकल रही थी उसको कॉस्ट पे रख लिया, उसने कहा एडिशनल डिस्क्लोजर दे देना, क्लियर है बात। अच्छा, हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया कॉस्ट मॉडल, ऑप्शन है ना, हम फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं जाना चाहते, मतलब सारी प्रॉपर्टीज को किस पे रखेंगे, कॉस्ट पे, और डेप्रिसिएशन करेंगे उनकी हर साल और बुक वैल्यू शो करेंगे, ऐसे ही है। लेकिन आईएस 14 ने एक एडिशनल रिक्वायरमेंट डाल दी, उसने कहा चूंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है कॉस्ट मॉडल पे रखना है, बेशक रखो, करो हर साल डेप्रिशिएट, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना हो गुजारो, सारी आईएस 16 वाली अकाउंटिंग कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन चूंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इनकी नेचर जरा पीपी से डिफरेंट ही है ना, तो एक मेहरबानी करो हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू लिख दिया करो नीचे अंग्रेजी के अंदर कि हम हैं तो कॉस्ट मॉडल पे, लेकिन ये बलोचिस्तान प्रॉपर्टी की, ये इस्लामाबाद प्रॉपर्टी की, ये फलानी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू ये है, हमने फेयर वैल्यू मॉडल यूज नहीं किया, हमने गेन लॉस रिकॉर्ड नहीं किया ईयर एंड पे, इसको रखा कॉस्ट पे हुआ है, लेकिन फेयर वैल्यू ये है, लिख कर बता दो, ठीक है। तो क्या कहते हैं, व्हेन कॉस्ट मॉडल इज यूज, ऊपर कॉस्ट मॉडल की बात चल रही थी ना, तो जब ये कॉस्ट मॉडल यूज किया है तो क्या कर दो, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज, ठीक है। और अगर फेयर वैल्यू इज नॉट एस्टिमेटेड रिलायबली, सेम एडिशनल डिस्क्लोजर शुड बी मेड एज अंडर फेयर वैल्यू मॉडल, और अगर फेयर वैल्यू नहीं डिटरमिन कर सकते तो वही वाली अंग्रेजी लिख दो जो पहले लिखा है बलोचिस्तान प्रॉपर्टी के लिए, ये बात समझे हो। अब कंक्लूजन, आखिरी बात, पहली बात एडिशनल जनरल डिस्क्लोजर कौन से थे, कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, ठीक है, किसने रिवैल्यू, किसने फेयर वैल्यू लगाई है, इंडिपेंडेंट बंदा है, किस बेसिस, किस मेथड पे, किस बेसिस पे लगाई है, ठीक है। तीसरी बात, रेंटल्स या एक्सपेंसेस हैं तो बता दो, कोई कमिटमेंट कर बैठे हो लिख के बता दो, कोई रिस्ट्रिक्शन है तो बता दो, कोई रह गया हो तो माफ कर देना, फिर वो करे बता दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सुनो सुनो सुनो, फिर ये तो हो गए जनरल, अब अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो क्या करो, वही करो जो नोट में किया था, यानी नोट बना लो, नोट बनाया था ना, बस वही करने का बोला हुआ स्टैंडर्ड ने, ठीक है ना, तो हमने कर लिया, फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो बना लो नोट, बना लिया जी नोट। हाँ, अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हो और किसी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है तो एडिशनल डिस्क्लोजर क्या है, बता दो कौन सी प्रॉपर्टी है, क्यों नहीं फेयर डिटर्मिन हो सकती, और कोई अंदाजा हो तो, पॉसिबल हो तो उसकी रेंज बता दो, डन। कॉस्ट मॉडल पे हो आप, नहीं फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना, ठीक है, क्या करो, वही जो किया था बलोचिस्तान प्रॉपर्टी, वही रेकंसिलिएशन वगैरह सब कुछ IAS 16 जैसा नोट बना लो, लेकिन मेहरबानी करो और नीचे फेयर वैल्यूज लिख दो, और अगर किसी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करो, वही बलोचिस्तान वाली प्रॉपर्टी वाली बातें उसके लिए भी लिख दो, ठीक है। नहीं, मॉडल कॉस्ट यूज कर रहे हैं, वो आगे सब नोट्स में जाके लिख देंगे जी, इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू इतनी है, इसकी इतनी है, जी जी, कॉस्ट मॉडल, जब मॉडल यूज कॉस्ट का हो रहा है तो वहां तो कॉस्ट मॉडल लिखेंगे ना, कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट पे रखा हुआ है, लेकिन एडिशनल डिस्क्लोजर क्या है, सब नोट्स में जाके लिख दो इसकी फेयर वैल्यू इतनी थी, ठीक है। क्या कह रहे हो, एक ही मॉडल सब पे लगना है ना भाई, अगर फेयर वैल्यू मॉडल चूज किया तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल लगाओ, और अगर कॉस्ट मॉडल यूज करना चाहो तो फिर सब पे कॉस्ट लगा लो, ऑप्शन तो अवेलेबल है, नीचे जाके अलग से बता देनी है कि फेयर वैल्यू जितनी है, पर मैंने फेयर वैल्यू मॉडल चूज नहीं किया, मैंने कॉस्ट पे रखा हुआ और डेप्रिशिएट कर रहा हूं, नहीं मैंने फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना, मैंने डेप्रिशिएट करना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे रखना है, हाँ लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा है कि फेयर वैल्यू इतनी है तो ये फेयर वैल्यू बता रहा हूं कि इतनी इतनी है, ताकि यूजर को पता लग जाए कि इसकी आज फेयर वैल्यू है कितनी, ठीक है ना। ट्रीटमेंट में तो फर्क है ना भाई, एक है लिख के बता देना बस कि मेरी 1000 की जो कॉस्ट पर नजर आ रही है बिल्डिंग, इसकी फेयर वैल्यू 1500 है, भाई जब सवाल किसी और का चल रहा हो पीछे वाले भाई तो तुम भी सुन लो, अपनी ना मस्जिद ना लिया करो। एक है फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना, हमने नहीं किया, 1000 पे हमारी बिल्डिंग नजर आ रही है, ठीक है, तो हमने भाई का सवाल ये, सवाल समझ आया भाई का, सवाल ये है कि भाई कॉस्ट मॉडल जब यूज किया तो नीचे फेयर वैल्यू बता रहे हैं, तो फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं ना, ये सवाल है ना, तो भाई मकसद कहने का यह, मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं फेयर वैल्यू मॉडल पर जाऊं, मैंने कॉस्ट यूज करना है, तो मैंने 1000 की कॉस्ट पे ही रखनी है बिल्डिंग, उसको डेप्रिशिएट करना है, ठीक है, मैंने फेयर वैल्यू मॉडल चूज नहीं किया, जस्ट फेयर वैल्यू ने लिख के बता दी कि फेयर वैल्यू इतनी है, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना, अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज करूं तो डेप्रिशिएट नहीं करूंगा और ईयर एंड पे उसको फेयर वैल्यू पर ले जाऊंगा और गेन लॉस प्रॉफिट लॉस में लेकर जाऊंगा, ये फेयर वैल्यू मॉडल को यूज करना है, मैंने नहीं यूज करना भाई, मेरा ऑप्शन है, सेंटर ने मुझे कहा, दुनिया कोई ताकत मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि नहीं आप लाजमी फेयर वैल्यू मॉडल यूज करो, भाई ऑप्शन है, मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे रख रहा हूं, मेरी मर्जी, हाँ लेकिन सेंटर ने कहा है चूंकि इनकी नेचर ऐसी होती है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं तो फेयर वैल्यू मैं लिख के बता रहा हूं बस, मैं इस मॉडल को यूज नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो तू खाम खा सवाल कर रहे हैं, सवाल उन्हें कर ले चंगा पला, उसमें सारा जवाब भी देता है जी, क्या वैसे फरमा कह रहे हैं, नहीं तब नहीं बतानी, ठीक है ना, तकलीफ तो यही है ना स्टैंडर्ड को कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इसको फेयर वैल्यू पर रखने का दिल है स्टैंडर्ड का कि सब रखें, लेकिन ऑप्शन चूंकि है तो अगर कोई फेयर वैल्यू पर रखे तो फिर कॉस्ट को क्या करना,
रिसेंट में पड़ा है, ठीक है। अगर कॉस्ट में हो तो फिर वो कहता था फेयर वैल्यू यूजर को बताओ सही, क्योंकि नेचर प्रॉपर्टी की नेचर क्या है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो फेयर वैल्यू को पता होना चाहिए, डिस्क्लोज कर दो, ठीक है, जस्ट डिस्क्लोज कर दो, अंग्रेजी में लिख के बता दो। आप चाहे वर्ड्स में ऐसे 10,000 भी ना लिखो, आप लिखो 10,000 TENTHOUSANDY ऐसे लिख दो, ठीक है ना, लिख के बता जरूर दो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 सफायर लिमिटेड और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार PLC, ये आपका होमवर्क है। प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3 होमवर्क है। ये देखे ना, ये इस तरह का हैंडआउट बना होता है ना, देखें, ओहो किधर गया आपका, ये ऐसा हैंडआउट बना हुआ है आपका, 35वां लेक्चर है ना, हमने रिमेनिंग थ्योरेटिकल डिस्कशन की IAS 40 की, और नीचे होमवर्क खाली है, ये खाली को आपने खुद भरा। प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3, सफायर लिमिटेड प्रैक्टिस सेट 2 है और स्टार PLC प्रैक्टिस सेट 3 है, ठीक है जी। चलें जी वापस आ जाओ, वैसे मैं नाराज हूं तुमसे, जज़ाकअल्लाह। अच्छा जी, आप थोड़ी सी डिस्कशन कर लें गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर, टाइम ज्यादा लग गया मेरे ख्याल में, एग्जांपल 2 तो नहीं कर सकेंगे, 1 को ही पूरा कर लें, लेकिन मैं डिस्कशन 1 वही एग्जांपल है जो कल की थी, ठीक है, बस जरा दोबारा कर लेंगे, लेकिन डिस्कशन भी थोड़ी सी हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, गवर्नमेंट ग्रांट और असिस्टेंस, इस स्टैंडर्ड का पूरा नाम तो है गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड असिस्टेंस, लेकिन असिस्टेंस को भी साइड पर रखो, पहले गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग तो इसी की है, अकाउंटिंग जिसकी होती है पहले वो सीख ले, ठीक है। तो गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट जो है वो अक्सर अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी आवाम की वेलफेयर के लिए आपको पता है स्टेप्स उठा रही होती है, तो अगर कोई बंदा ऐसा काम करने की तरफ चले जिससे जनरल पब्लिक को फायदा होना हो, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो आपको हेल्प कर देती है, ठीक है। अब वो हेल्प कई किस्म की हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने कहा कि फाटा के अंदर आप जाकर प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाएं, अपना प्लांट वहाँ पे लगाएं, ताकि वहाँ के लोगों के लिए जनरेट हो एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे तालीम इम्प्रूव हो, स्कूल कॉलेज बने, ठीक है, या बलोचिस्तान किसी दूर दराज इलाके के अंदर जाके आप अपना सेटअप लगाएं, ताकि वहाँ पर जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हो, लोगों के लिए नौकरियाँ जनरेट हों, ठीक है। अब गवर्नमेंट की तो ये चाहत होगी, अच्छी गवर्नमेंट की होती है, ठीक है, हाँ, तो ये चाहत होगी कि उनकी सोसाइटी की, उनकी पब्लिक की जो है वो वेलफेयर का काम कर सकें वो। अब अगर कोई बंदा ये डिसाइड करता है कि ठीक है जी, मैं फाटा में या बलोचिस्तान में जाके अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाता हूँ, तो गवर्नमेंट इस बात से खुश होगी और वो उनको हेल्प करेगी। वो हेल्प दो तरह की हो सकती है, ठीक है, या तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि आप को हम फिक्स्ड एसेट दे देते हैं, क्या करते हैं जी, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है जी, या गवर्नमेंट ये कह सकती है कि आप जो एक्सपेंसेस इनकर करेंगे ना, मिसाल के तौर पे वहां आप गए, वहां पे जाकर आपने जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, तो आपका मिसाल के तौर पे एक वर्कर का की तनख्वाह जो है मिसाल के तौर पे 25,000 बनती है, तो आपको हर वर्कर की 25,000 तनख्वाह में से 10,000 हम देंगे, 15,000 आप कर लेना, ये भी तो एक हेल्प ही है, इसे सब्सिडी कहते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने क्या करना है, आपको ग्रांट देनी है रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, ठीक है जी, ये आप कल बात करेंगे, इसलिए एग्जांपल 2 जो हैंडआउट में है वो भी हमने नहीं पढ़नी अभी, ठीक है ना, ये आप बात कल करेंगे, इसी को आज जरा पूरी तरह से पक्का कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स भी दो तरह की हो सकती है, ठीक है, दो तरह की इसलिए कह रहा हूं कि फिक्स एसेट में लैंड भी होता है और उसके अलावा वाले फिक्स एसेट्स भी होते हैं। लैंड को अलग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लैंड डेप्रिशिएबल नहीं है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने आपको लैंड ही दे दिया, लैंड खरीदने के पैसे नहीं दिए, ऐसा भी तो होता है, लैंड खरीदने के पैसे दें तो वो तो फिक्स एसेट की ट्रीटमेंट के अंदर ही आ जाएगा, देखोगे आप जैसे, ठीक है ना, तो लैंड ही दे दिया, ठीक है। अब ये लैंड एट नॉमिनल, अच्छा इसी भी बात कर लेंगे, इसको भी लिख लो, इसकी ट्रीटमेंट अलग करते हैं, जो कल पढ़ा दिया ना वही रिवाइज कर लेते हैं, 10 मिनट भी नहीं है, ठीक है। तो लैंड गवर्नमेंट लैंड ही दे दे, जमीन पड़ी होती है गवर्नमेंट के पास, कहती है जाओ
ये जमीन तुम्हारी ठीक है, इस पे जाके अपना प्लांट लगाओ। जाहिर सी बात है शर्तें भी साथ लगती हैं, इतने साल तक ये नहीं हमने गवर्नमेंट से जो है वो पैसे लिए कि हम जी फाटा में जाके प्लांट लगा रहे हैं और पैसे लिए कि वहाँ पे प्लांट अभी लगाना शुरू कर फिर हम भाग गए। चल इधर 5 साल तक यहाँ से हिले ना, तो जब हिले पैसे वापस ले लेंगे हम, वो रीपेमेंट हम बाद में पढ़ेंगे ठीक है ना। तो फिलहाल गवर्नमेंट प्लॉट ऑफ लैंड भी दे सकती है ठीक है, वो बाद में देखेंगे। और अदर फिक्स्ड एसेट्स ठीक है जी, तो ये मैं कल बाइफरकेट कर लूंगा, फिलहाल मैं रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट की बात जरा इस तरह सादा कर रहा हूँ ठीक है ना। बात अब फैल नहीं रही है इस वक्त क्योंकि टाइम कम है ठीक है, जो बात कल की थी बस उसे कंक्लूड कर लेता हूँ मैं ठीक है जी। रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट नोट ना करें अभी, कोई मसला नहीं, कल फाइनल वाला वर्जन नोट कर लेना, ये बात मैंने कल की हुई है ठीक है, ये वही वाली बात है। अब गवर्नमेंट ने आपको फिक्स एसेट के लिए ग्रांट दे दी, जरा रिविजन हो जाए ठीक है ना, ग्रांट दे दी। अब जिस दिन ग्रांट रिसीव करोगे तो उस दिन ये आप पे लाइबिलिटी, ये बात कही थी मैंने आप ठीक है। अब करोगे क्या, ग्रांट रिसीव हुई है रिलेटेड टू फिक्स एसेट, तो पहला काम क्या करोगे, रिकॉर्ड, शर्तें होंगी रिकॉर्ड करने की वो पढ़ लेंगे बाद में, फिलहाल शर्तें पूरी हैं, रिकॉर्ड द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम, ये ऑप्शन था ठीक है, रिकॉर्ड द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम, और कल किया था ना, रिकॉर्ड द ग्रांट एज डेफर्ड, डेफर्ड इनकम ही लिखते हैं कंफ्यूज करता है इनकम और डेफर्ड इनकम, डेफर्ड ग्रांट यानी लायबिलिटी ठीक है। रिकॉर्ड द ग्रांट एक ऑप्शन ये था, रिकॉर्ड द ग्रांट सेपरेटली, रिकॉर्ड द ग्रांट सेपरेटली एज डेफर्ड ग्रांट यानी लायबिलिटी ठीक है। अलग रिकॉर्ड कर लिया था कल, ये हमने पहला काम किया था, और दूसरा काम क्या किया था, आहिस्ता आहिस्ता उसको इनकम में फेंकते गए थे, जैसे एसेट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होकर एक्सपेंस बन रहा था, ये डेफर्ड ग्रांट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होकर इनकम बनती जा रही थी ठीक है। तो रिकॉर्ड द ग्रांट सेपरेटली एज डेफर्ड ग्रांट, और एमर्टाइजेशन कहते हैं इसको वैसे ठीक है, मुश्किल लफ्ज लग रहा है तो मैं वैसे लिखने तो लगा था कि स्लोली स्लोली ट्रांसफर इट टू, तो मतलब क्या होता है एमर्टाइजेशन ही होता है, टेक्निकल वर्ड लिख ही लें खैर है आप ठीक है, स्लोली स्लोली ट्रांसफर दिस ग्रांट दिस डेफर्ड ग्रांट टू प्रॉफिट एंड लॉस एज इनकम ठीक है ना। तो वो स्लोली स्लोली ट्रांसफर करने को टेक्निकल जबान में एमर्टाइजेशन कहते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है एसेट का पिघलना डेप्रिसिएशन, ये डेफर्ड ग्रांट का पिघलना ये एमर्टाइजेशन, एसेट पिघल कर डेप्रिसिएट होकर एक्सपेंस बन रहा है, ये डेफर्ड ग्रांट पिघल के एमर्टाइज होकर इनकम बन रही है, बस इतना सा फर्क है ठीक है। तो लिख ही लें बस ठीक है, एमर्टाइजेशन एमर्टाइज द डेफर्ड ग्रांट यानी लायबिलिटी, एमर्टाइज द डेफर्ड ग्रांट एज ग्रांट इनकम, चलो सॉरी लिख रहा ना, एमर्टाइज लिख दिया, एमर्टाइज द डेफर्ड ग्रांट और एंड ट्रांसफर इट टू एंड ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस, स्लोली स्लोली नहीं ठीक है, ऑन द सेम बेसिस, ऑन द सेम बेसिस एज द रिलेटेड, एज द रिलेटेड एसेट फिक्स्ड एसेट, एज द रिलेटेड फिक्स्ड एसेट इज डेप्रिशिएटेड ठीक है जी। ये ट्रीटमेंट कल मैंने करवा दिया था, आज लिख दिया है बस ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे फिक्स एसेट में, इसको अलग ही कर लेंगे कल, लैंड को अलग से ट्रीटमेंट सिखा दूंगा, फिर फिक्स एसेट के दोनों ट्रीटमेंट सिखा दिए थे वो जरा सवाल दोबारा एक नजर देख लेंगे, रिवीजन हो जाए ना जरा, क्योंकि ये चलता रहे, अब कल असेसमेंट की रिवीजन शुरू हो जाएगी तो फिर ऐसे ही तो थोड़ा सा इसके बारे में बात तो करते रहे ना, ये ना भूल जाए ठीक है ना, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी बात करते जाएंगे, तो असेसमेंट से क्लियर हो जाएंगे तो फिर सुकून से ये करेंगे, तब तक हम ये बेसिक बातें भी सीख चुके हैं ठीक है ना जी। तो फिक्स एसेट से रिलेटेड ग्रांट आई, दो ऑप्शन मौजूद हैं, पहला ऑप्शन रिकॉर्ड करो ग्रांट सेपरेटली ठीक है, ग्रांट को सेपरेटली रिकॉर्ड करो एज डेफर्ड ग्रांट और एमर्टाइज करो उसको ऑन द सेम बेसिस एज रिलेटेड फिक्स एसेट इज डेप्रिशिएटेड ठीक हो गया, सिंपल। ये काम हमने कल कर तो लिया था लेकिन चलो वो एग्जाम्पल थी हमारी क्लास वाली ठीक है, वो आज वाले हैंड आउट में मैंने एग्जाम्पल 1 बनाई हुई थी, बहरहाल वो एग्जाम्पल 1, अब एग्जाम्पल 2 आज तो नहीं हो सकनी, एग्जाम्पल 1 डिस्क्लोजर ज्यादा टाइम लग गया मेरे अंदाजे से ठीक है। एबीसी कंपनी रिसीव अ ग्रांट, वही सवाल है, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, फॉर ऑफ 40 मिलियन, अब इसको सिर्फ ये कर लेता हूं मैं जरा चेंज करके ठीक है, अपनी तरफ से कह रहा हूं ऑन 1 जुलाई 2002 ठीक है। एबीसी कंपनी रिसीव अ ग्रांट ऑफ 40 मिलियन ऑन 1 जुलाई 2002, अज्यूम किया मैंने, मेरी अपनी एग्जाम्पल है भाई मैंने बदल ली ठीक है, ऑन 1 जुलाई 2002, तो 1 जुलाई 2002
दो पर एंट्री करोगे, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट, क्रेडिट 40, ठीक है, ये किया था ना कल। फिर यकम जुलाई को एसेट खरीद लाए, प्लांट ही कह देते हैं, वो इतना मुश्किल से नाम लिखा हुआ है, प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट 100 से। अब जनाब ये एंड आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जिस बेस पे डेप्रिशिएट करो एसेट को, उस बेस पे एमर्टाइज करो ग्रांट को। तो पहले डेप्रिशिएट कर लेते ना ताकि बेसिस आ जाए, हमें इजी भी लगता है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2002 पर डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, डेप्रिशिएट करना है 100 को। लाइफ सवाल में गिवन थी 8 साल इंटू 6/12 6.3 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। और लास्ट थिंग इज 31 दिसंबर 2 पर इस लाइबिलिटी को, ये जो लाइबिलिटी है इसको थोड़ा सा इनकम बना लो, यूं समझो इतनी कमा ली है हमने, ठीक है ना। समझो उन्होंने कहा था कि 8 साल तक आपने ये प्लांट लगाए रखना है, तो ये इनकम भी 8 साल पे ही, ये ग्रांट की लाइबिलिटी 8 साल में इनकम बननी चाहिए ना, तो कितने अरसे की लाइबिलिटी पूरी होगी 6 महीने की, तो उतनी इनकम बना लेते हैं। सिंपल बातें, ठीक है। तो डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करके ग्रांट इनकम को क्रेडिट करो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना कर लो, कितना एमर्टाइज कर लो, 40 की ग्रांट थी डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6/2.5 से एंट्री, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट में आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा 2002 के अंदर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा 6.3 और ग्रांट इनकम आएगी, अब दोनों चूंकि इकट्ठे आ रहे हैं, चलो आप एक को साइन लगा दो, पैसे वैसे जरूरत कोई नहीं है, एक्सपेंस इनकम लिखा हुआ है, काम चलेगा, ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का प्लांट आएगा 100 माइनस 6.3 3.3, ठीक है। अगली बात, जो ग्रांट है वो नॉन करंट और करंट में बांटनी पड़ेगी हमें कल, ठीक है। लायबिलिटी है ना, बोलो लायबिलिटी है, लेकिन ये लायबिलिटी सारी की सारी अगले साल में इनकम बन के खत्म नहीं होनी, ना ही सारी की सारी अगले साल के बाद होनी है, कुछ करंट और कुछ, तो इसलिए ये बात अब कल करेंगे, कोशिश करेंगे घर आपको इसको बांटने की कोशिश करेंगे। आप यहां पे लिखेंगे डेफर्ड ग्रांट, ये लिखा हुआ है ना नाम, डेफर्ड ग्रांट और फिर करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड ग्रांट, ठीक है जी, ओके कर लेना ना घर पे कोशिश करना, ठीक है, डन। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम रिलेटेड एसेट, डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ रिलेटेड एसेट कॉस्ट, ठीक है, डिडक्ट कर लो ग्रांट को कहां से, रिलेटेड एसेट से, ठीक है, और ओनली डेप्रिशिएट दैट एसेट, बस कहानी खत्म, ठीक है। अब एग्जाम्पल तो वही थी, ठीक है, जब एसेट खरीदना है हमने तो यकम जुलाई को, चलो यकम जुलाई 2002, यकम जुलाई 2002 कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कर तो लिया हमने पहले दिन ये, ठीक है, लेकिन जब यकम जुलाई 2002 पर हमने प्लांट खरीदा 100 का, तो अब हमें चुभने लगी वो डेफर्ड ग्रांट, हमने कहा हमारा तो ऑप्शन है दूसरा, हम इसको खत्म करके प्लांट को क्रेडिट कर देंगे, नेट कर लेंगे प्लांट को, तो यकम जुलाई को ही एक और एंट्री होगी। आप कहोगे जी नेट ही ना कर लें, फिलहाल नेट ना करें, डेफर्ड ग्रांट डेबिट करके खत्म कर दिया इसको, 40 से क्रेडिट हुआ था, 40 से डेबिट हो गया, ठीक है ना। तुम कल की क्लास में बैठोगे नहीं, ठीक है, तुम खड़े रहोगे पीछे, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और प्लांट क्रेडिट, ठीक है। अब प्लांट हमारा 100 पे आया था, 40 से कम होकर 60 पे रह गया, तो 60 ही डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, ओनली डेप्रिशिएट दैट एसेट नेट,
नेट ऑफ ग्रांट जो किया किया था ना उसको डेप्रिशिएट करो। ठीक है, सिंपल सिंपल है। देखो ग्रांट 40 की लाइबिलिटी बनाई थी, खत्म हो गई, और एसेट को हमने 100 से 60 पे कर लिया। अब जब डेप्रिसिएशन की बारी आएगी, सॉरी डेप्रिसिएशन की बारी 31 दिसंबर 2002 पर डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेशन क्रेडिट, तो 60 को डेप्रिशिएट करोगे 8 × 6/12 3.8। अगर इनकम डेफर्ड ग्रांट तो है नहीं जिसको इनकम बनाना है, ठीक है। अब अगर इनकम स्टेटमेंट की बात करें आप ब्लू वाली की, तो उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है 3.8 का और कोई इनकम नजर नहीं आ रही। प्लांट तो 93 पे नहीं ना रहेगा, प्लांट कितने पे चला गया 60 - 3.8 कितना 56.2, और ग्रांट नाम की कोई चीज ही नहीं। अब इसको नेट करके देखो तो यही बनता है 2.5 की इनकम 6.3 का एक्सपेंस, नेट करें तो यही बनता है। तो ऑप्शन जो है आंसर तो सेम ही होना है, लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन ये है, ग्रांट अलग दिखाती है ये अप्रोच, एसेट अलग दिखाती है, पता लग रहा है गवर्नमेंट से ग्रांट ली हुई है, ग्रांट इनकम अलग है एक्सपेंस अलग है, यहां सब कुछ छुप जाता है, सिर्फ एक्सपेंस नजर आ रहा है, ग्रांट इनकम नाम की चीज ही कोई नहीं, ग्रांट बैलेंस शीट में नजर ही नहीं आ रही, ऐसे जैसे ग्रांट है ही नहीं, तो ये बेटर नहीं है, पर ऑप्शन है। ठीक है, कल इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।